तो यात्रा कभी शुरू होती है, फिर बीच में आती है, फिर यात्रा का अंतिम समय आता है। तो अभी ये यात्रा आपके ख्याल में कहाँ है? ये यात्रा पूरी होने वाली है या अभी बीच में है? क्या ख्याल है? जो सब कहते हैं कि हाँ ऐसा दिख रहा है अब ये यात्रा अपने फाइनल स्टेज पर है, वो जरा हाथ उठाओ। ठीक है, अब जब यात्रा पूरी होने लगती है तो क्या करना पड़ता है? तो बाबा ने स्लोगन दिया हुआ है लास्ट सो फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो बाद में आएगा वो तेज चलेगा तो फर्स्ट आ सकता, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, इसका ये अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है कि अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारी मंजिल वहाँ है और हम यहाँ हैं और वो स्मृति आपको रहे तो आप अपनी स्पीड आपके तेज कर लो, वरना जानते हुए भी कि यात्रा का अंत है। कई तो ये पूछते हैं इस समय में विशेष क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ जानते हैं कि समय लास्ट है, देख भी रहे हैं लेकिन वो स्मृति नहीं। तो बाबा कहते हैं स्मृति से समृद्धि आती। तो हमारा स्लोगन क्या है? ब्राह्मण सो क्या, ब्राह्मण सो देवता, ये हमारा स्लोगन है। ब्राह्मण तो हम फर्स्ट डे बन गए थे, आज भी हम ब्राह्मण हैं, लेकिन जब देवताओं की दुनिया सभी पा रहे हो उस वक्त हमें क्या देखना है कि हमारे अंदर वो जो सतयुग के संस्कार हैं, वो जो सतयुग के लक्षण हैं वो आ गए, ये हमारे को टेस्ट करना है क्योंकि लास्ट समय है। अब वो कैसे होगा? तो इसलिए बाबा कहते हैं एक टेस्ट तो ये है कि हम इंद्रिय सुख में कितना समय रहते हैं और अति इंद्रिय सुख में कितना समय रहते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में हमें अधिक से अधिक कर्मातीत इंद्रियों से परे अति इंद्रिय सुख में रहना, हर वक्त मन के अंदर क्या छूटना चाहिए, मन के अंदर खुशी के क्या फुहारे छूटने चाहिए, जैसे फुहारा होता है ना अपने आप छूटता रहता है, लोग फुहारा देखने जाते हैं कि कैसे देखो, तो खुशी के फुहारे छूटने चाहिए। जिसको ब्रह्मा बाबा कभी कभी एक्ट करके दिखाते थे कि तुमको खटियां मारनी चाहिए खुशी से, तो बाबा कहते हैं ये हमारी निशानी है, वो अंदर की खुशी होगी तो बाहर खुशी आएगी, तो वो अंदर की खुशी अति इंद्रिय सुख। अब प्रश्न यह है कि अति इंद्रिय सुख को कैसे प्राप्त किया जाए, बढ़ाया कैसे जाए? क्या हम सबको किसी ना किसी समय कभी ना कभी थोड़ा या ज्यादा अपने ब्राह्मण जीवन में अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ है या नहीं हुआ? आप सोचो हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है ना? अब वो जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ है उस अनुभव को हमने बढ़ाया कि ज्यादा से ज्यादा अब हम अति इंद्रिय सुख में रहे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। अब ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा तो पहले दिन से अंत तक ब्रह्मा बाबा ही थे, लेकिन अपने लास्ट दिनों में ब्रह्मा बाबा में क्या परिवर्तन, जो उस वक्त थे सबने देखा कि जैसे ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में है लेकिन नहीं, ब्रह्मा बाबा बात करते करते अव्यक्त हो जाते। पहले ब्रह्मा बाबा बड़े शौक से बच्चों को कहते थे बच्चे दिवाली मनाओ, ये लाओ पटाखे लाओ, ये करो, बाद में बच्चे कहते थे बाबा दिवाली, ब्रह्मा बाबा उपराम होकर कहते थे हाँ बच्चे मना लो। पहले ब्रह्मा बाबा मुरली में कुल गीत बजवाया करते थे, फिर ब्रह्मा बाबा ने गीत की दो लाइनें कर दी, फिर ब्रह्मा बाबा ने गीत ही बंद करवा दी, अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो हमारे को अब अलौकिक जो हमारी चीज है, हमारा अलौकिक जन्म है, अलौकिक पिता है, अलौकिक
है, अलौकिक खुशी है, अलौकिक प्राप्ति है। तो उस अलौकिकता में